यू ऑल, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं फर्स्टली, ठीक है? पढ़ा हुआ है मेरा कल का। और कैसे हो आप सब? तो आज तो स्टार्ट हो रहा है, वुड यू फील? हाँ, स्टार्ट क्लीन हो गया। चलो, अच्छा आपको दिख रहा है सब कुछ क्लियरली लगता है? हाँ, शूट तो हो रहा है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 1। ठीक है, अच्छा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक के बारे में जैसे कितने लोगों का ये है कि भाई समझ ही नहीं आता कि है क्या स्टैट, तो पहले क्लियर ही नहीं होती कि स्टैट ठीक तरीके से है क्या, हो क्या रहा है स्टैट में, कंफ्यूजन्स होती हैं लॉट्स ऑफ, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। दैट्स व्हाई मैंने स्टैट को स्टार्ट करा है। अगर आपको स्टैट समझ में आ जाती है, एटॉमिक खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, थर्मल खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, न्यूक्लियर के आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे सिर्फ एक स्टैट से। देखो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था आपने कि क्योंकि फिजिक्स है ना, ऐसा नहीं होता कि फिजिक्स को अगर हम 9 पार्ट में बांट दिए हैं तो उसका मतलब हमको 9 अलग अलग पेपर पढ़ने हैं, ऐसा नहीं होता। हमको सेम फिजिक्स को पढ़ने के लिए, मतलब जैसे हम कहाँ कहाँ किस किस तरीके से चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं ना, वो हमारे ब्रांचेस को डिफाइन करता है। जैसे अगर हम एक पार्टिकल की बात करें तो उसकी एनर्जी हम स्टार्ट में भी करते हैं कैलकुलेट, क्वांटम में भी स्टिल एट लास्ट शुरू से लेकर आखिर तक तो आप एनर्जी तो निकाल रहे होते हो, एटॉमिक में भी आप निकालते हो एनर्जी, न्यूक्लियर में भी सेम कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं, सॉलिड में आप पार्टिकल का मूवमेंट वगैरह देखते हो कि वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, क्लासिकल में वो कितना जंप कर रहा है, नीचे आ रहा है, उसका स्पीड ये वो जो भी है वो आप क्लासिकल में जज करते हो जज। ठीक है, अगर उसको आप इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो करवा दो वो आपका EMT का पार्ट वहां पे बन के आ जाता है। ठीक, तो चीजें ना वैसे ही वेरिएट होती हैं। फिजिक्स कोई अपने आप में ऐसा नहीं है कि हमको ऐसा लगे कि हाँ भाई फिजिक्स है तो 9 अलग अलग पेपर हैं, सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इसीलिए मैंने उठाया है पहला स्टैटिस्टिकल मैकेनिक। अच्छा अब मेरी एक चीज पहले, सबसे पहले मेरे को जवाब दो, मेरा है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक और एक थर्मल, इसको इन दोनों को अगर साथ में रखा गया है तो क्यों रखा गया है, इन दोनों को हम साथ में स्टडी क्यों कर रहे हैं, हम इन दोनों को अलग अलग भी तो पढ़ सकते हैं, है ना, मगर स्टिल ऑन हम इन दोनों को साथ में लेके चलते हैं। ठीक, अच्छा इन दोनों का आपस में एक इंटरलिंक है, कनेक्शंस हैं। अब वो कनेक्शंस क्या है, क्यों है, किस तरीके से है, और खुद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक हमको पढ़ने की नीड क्यों पड़ी, पहले वो थोड़ी सी ना क्या कहते हैं, थोड़ी सी पहले आप हमसे कहानी सुनो उसके बाद चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। यार पता है जैसे फिजिक्स को ना मेरे हिसाब से अगर आप एक स्टोरी के टाइप से पढ़ते जाओगे ना टिल री बहुत मजा आएगा पढ़ने में, एंड सच में ये सब पेपर्स ना मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है भी, इवन मुझे पढ़ाने में इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, इतनी खुशी हो रही है ना, अब वो पढ़ने में भी होगी यार। देखो अब हुआ क्या, जैसे लॉन्ग 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 टाइम एगो की बात है, हमारा पहले आया था अस्तित्व में, जैसे हमारा आया मैटर। ठीक, अब मैटर में तुम कोई भी मैटर ले लो, मतलब इवेंचुअली इसमें तुम कुछ भी ले लो, जैसे मान लो आप वाटर, मतलब जैसे मान लो आयरन ले लो या सिल्वर ले लो, मैग्नीशियम ले लो, व्हाटएवर यार तुम्हारी जो मर्जी, कोई ये मत बोलो कि मैम आपने ये नहीं लिया तो हमको बुरा लग गया, लो तुम कुछ भी ले लो। ठीक है, अच्छा अब जब मैटर आया प्रेजेंस में अपने, फिर ये हुआ कि भाई ये मैटर के बारे में हमको जानना है कि कैसे है, क्या है, क्या नहीं है, तो सॉलिड स्टेट में जब आप पढ़ोगे तो आपको मैटर का स्ट्रक्चर एंड ऑल तो पता चल गया, फ्रॉम सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपको मैटर का स्ट्रक्चर एंड ऑल तो पता चल गया,
ठीक है, कि वहां पे ये स्ट्रक्चर होगा, ऐसे होगा, इस तरीके से वो काम कर रहा होगा. बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस मैटर पे इन्वायरमेंटल, मतलब इन्वायरमेंट का क्या प्रेजेंस है इस चीज में, वो यहाँ मैटर करता है. जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि ये मैटर है, ठीक, अब आप मुझे इस पे बताओ कि अगर मैंने इस पे यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या असर पड़ेगा. अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर अप्लाई कर दिया, एक बर्नर लगा करके अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया, तब क्या असर पड़ेगा. इसको अगर मैंने एक क्लोज्ड वैक्यूम में रखा तो क्या असर पड़ेगा. अगर इसको मैंने एक ओपन चैम्बर में रखा तो क्या असर पड़ेगा. ये सब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो इसका असर पड़ा. जैसे अब ये मैटर है तो अगर हम इतने एक्सटर्नल चीजें अप्लाई कर रहे हैं तो क्या इस दैट इस मैटर पे असर पड़ रहा है, या फिर इस मैटर की वजह से सराउंडिंग में असर पड़ रहा है, हमारा सराउंडिंग चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है. ये सब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास थे कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट हो रही थी. ठीक है, फिर इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे वो उन्होंने बहुत सारे ना पोस्टुलेट्स दिए. बहुत सारे क्या दिए, पोस्टुलेट्स. पोस्टुलेट्स स्पेलिंग यही है ना, देख लेना यार अपने हिसाब से, मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा तेज नहीं है. ठीक, अच्छा, अब उन्होंने ना बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए. अब दिक्कत ये पड़ी कि पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है, और एक आप पढ़ते हो लॉ, फिजिक्स में आप दो चीज पढ़ते हो ना, जैसे एक आप पढ़ते हो कि इन्होंने ये लॉ दिया, ये लॉ है, जैसे स्पेशल वो है ना एसटीआर जो आप पढ़ते हो क्लासिकल में, ठीक है, स्पेशल थ्योरी, उसमें आपके ना पोस्टुलेट्स गिवन है, कहीं कहीं पे आपके लॉज गिवन है, कहीं कहीं पे लिखा है, जैसे न्यूटन है ना, तो न्यूटन के आपके लॉज होते हैं, जो तीन उन्होंने दिए हैं वो न्यूटन के तीन लॉज हैं, इनके तीन पोस्टुलेट्स हैं. तो सबसे बड़ी बात तो ये, कहीं कहीं आप पढ़ते हो लॉ, कहीं कहीं आप पढ़ते हो पोस्टुलेट्स. फर्स्ट ऑफ दैट, पोस्टुलेट्स और लॉ में क्या डिफरेंस है, देखो मेरी बात को समझना. पोस्टुलेट्स वो होता है जिसको हम बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के एकदम से ऐसे स्टेटमेंट पास कर देते हैं. ठीक, लॉ वो होता है जिसको हम प्रूफ करके स्टेटमेंट पास करते हैं. जैसे अगर अब तुमको मैं बोलूं कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, ठीक, वाटर इज बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, इस चीज को मैंने एक लॉ में कंसिडर करा, मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, बट इसको मैंने एज ए लॉ बोला. इसका मतलब मैंने पानी लिया होगा एक कंटेनर में, ठीक, उसको मैंने बॉयल करा होगा यहाँ पे बर्नर लगा करके, फिर उसके बॉयल होने के बाद मैंने इसको नोट करा होगा कि हाँ भाई ये तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरा बॉयल हो जाता है. ठीक, अगर मैं बोलूं कि पानी फ्रीज हो जाता है, H2O पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका मतलब ये है कि मैंने H2O को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा था और वो वहां पे फ्रीज हो गया, तब मैंने यहाँ पे एक लॉ पास करा कि हाँ ये चीज होती है. बट अगर मैं एक नॉर्मल तरीके से बोलूं कि हाँ जैसे सनराइज एंड सनसेट, मैंने एक नॉर्मल बोला, मैंने यहाँ पे ना कोई काम किया ना कुछ किया, मैंने एक नॉर्मल बोला कि हाँ सनराइज भी होता है और सनसेट भी होता है. ठीक, सूरज उगता भी है और डूबता भी है. पहली बात तो तुम ये सुनो कि क्या सन ऊपर नीचे होता है. बचपन से हम ये स्टेटमेंट जो पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ सन राइजेस एंड सन सनसेट्स, क्या सच में सूरज ऊपर नीचे होता है? लॉजिकली होता तो नहीं है ना. होता क्या है कि हमारा सन के अराउंड खुद ही हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही होती है और हमारा अर्थ घूमता है, और जब हमारा अर्थ घूमता है पूरा तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है सूरज कभी यहाँ आया कभी यहाँ आया कभी यहाँ आया, अब हमें लगता है कि भाई सन राइज हो रहा है और सनसेट हो रहा है, मगर होता तो ऐसा नहीं है. रिवॉल्व तो हमारा अर्थ कर रहा है ना, सन थोड़ी कर रहा है रिवॉल्व. ठीक है,
यहाँ पे फिर ऐसा होता है ना, ये जो मैंने आपको बोला एक नॉर्मली सनराइजेस एंड सनसेट, ये मैंने क्या समझ के बोला, ये मैंने आपका नॉर्मल एनवायरनमेंट देखा, कुछ चीज़ें देखी एनवायरनमेंट की, मैंने चीज़ें देखी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है तो भाई जनरली ठीक है हो रहा है। फिर मैंने एकदम से एक स्टेटमेंट पास करा बिना किसी नॉर्मल सबका देख करके और एक बिना किसी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के मैंने एक स्टेटमेंट पास करा सनराइज एंड सनसेट, ये पॉस्टुलेट होता है। अच्छा अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ भी आड़ा तेरा बक दोगे और वो बन जाएगा पॉस्टुलेट, वो भी नहीं होता है। देखो अगर सनराइज और सनसेट बोला इसका मतलब मैंने कुछ तो एनवायरमेंट में नोटिस करा होगा, मैंने कुछ तो देखा होगा कि हाँ भाई ऐसा होता है वरना वैसा होता है, कुछ तो मैंने देखा होगा ना, वो देख करके फिर मैंने कमेंट करा ना। ऐसा तो नहीं कि मैंने अंधे कुछ भी बोल दिया कि हाँ ठीक है भैया आज रात में दिन हो जाएगी, ऐसा थोड़ी है, कुछ भी आ रहा थोड़ी आप बोल दोगे। मैंने कुछ चीज़ों को फोकस करके नोटिस करके मैंने कुछ स्टेटमेंट पास करे, ठीक है, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं पॉस्टुलेट्स। ओवर एंड ऑल जिस चीज़ का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है आपके पास वो होते हैं लॉज, और जिस चीज़ का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होता है आपके पास वो होते हैं आपके पॉस्टुलेट्स, ठीक। अच्छा अब इसके बाद क्या हुआ, हमारे बैक टू ऑन आवर टॉपिक एज लाइक थर्मल, हमारे कुछ जो साइंटिस्ट थे ना उन्होंने हमें पॉस्टुलेट्स दिए, लॉज दे दिए हमें, उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। पॉस्टुलेट्स मतलब जैसे कुछ उन्होंने ना जैसे सराउंडिंग का ऐसे ही एग्जामिन करके और चीज़ों को कह करके उन्होंने ना एक सिस्टम के बारे में, मतलब जैसे सिस्टम इन द सेंस जैसे मैटर है उस पर आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, प्रेशर टेम्परेचर क्या कर रहे हो, और इसी चीज़ को अगर हम क्लोज्ड कर देते हैं या अगर हम ओपन भी रखते हैं तो इसको बोला जाता है सिस्टम, ठीक। इस चीज़ को ध्यान से लिख सुन के चलना क्योंकि टिल एक्ट पूरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक हम इस वर्ड का यूज़ बहुत करेंगे, ठीक है, हम पूरा ये नहीं बोलेंगे, हम आपको डायरेक्ट सिस्टम की बात करेंगे। तो अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं इट मीन्स आपके दिमाग में ये पिक्चराइज हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या बोलना चाहते हैं आपको, ठीक है। अच्छा अब सुनो, उन्होंने सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ों को एनालाइज करके समझ के नॉर्मली उन्होंने एक पॉस्टुलेट दे दिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है। जैसे आपका अगर मैं बोलूं जैसे कि टेम्परेचर राइज हो रहा है या प्रेशर टेम्परेचर, ये सब जो मतलब एक मैक्रो लेवल की बातें हैं, मतलब देखो अब तुम ये समझो इस सिस्टम के बारे में अगर तुमको इसको ऊपर ही ऊपर देखा जाए तो मैक्रो लेवल, और अगर इसके बहुत अंदर तक तुम घुस के देखो तो मतलब माइक्रो लेवल, ठीक। दो लेवल्स डिफाइन हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं तुम्हें अर्थ की बात करूं तो अगर कोई बाहर से जैसे मान लो अर्थ तुम्हारा सिस्टम है, सपोज दैट मानने में क्या है वो तो है ही, मान लो तुम्हारा अर्थ एक सिस्टम है, ये है तुम्हारा अर्थ, ठीक, ये एक सिस्टम है, ठीक। अगर तुम यहाँ पे कोई मान लो सैटेलाइट है, ठीक, यहाँ पे तुम्हारा कोई पर्सन खड़ा है, खड़ा कर देते हैं भाई किसी को, तुम बुरा क्यों मानो, ठीक। अच्छा यहाँ कोई पर्सन है, ये इसको देख रहा है, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो जब ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो ये इसको सिर्फ ऊपरी ऊपरी पार्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। मेरे दो कंडीशंस हैं, ध्यान सुनना मेरी बात, मेरे दो कंडीशंस हैं, एक या तो ये इसको मैक्रो लेवल पे करेगा ऑब्जर्व या तो वो उसके माइक्रो लेवल पे करेगा ऑब्जर्व। अगर वो उसके मैक्रो लेवल पे ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको इस अर्थ का सराउंडिंग दिखेगा, यहाँ के गैसेस दिखेंगे, ठीक है, यहाँ का उसको टेम्परेचर दिखेगा, ठीक, यहाँ का उसको प्रेशर दिखेगा, ये बात होती है मैक्रो लेवल की, ठीक। अगर वो अर्थ के कोर में चला गया, ठीक है, कोर का मतलब तो आप समझते होंगे अर्थ का सबसे इनर पार्ट, अगर वो अर्थ के कोर में चला जाता है, मान लो अगर वो अर्थ के कोर में जाके चीजों को एनालाइज करता है, पूरा स्टडी करता है ध्यान से, तो वो बात होती है उसके माइक्रो लेवल की, क्योंकि ये पूरा अंदर तक जाके उसको एनालाइज किया है,
सेम एज इट इज मैटर, अगर इस सिस्टम की हम बात करें, अगर हम इस सिस्टम को ऊपर से देखें सिर्फ, ठीक है, तो हम आपको ये बता सकते हैं कि हाँ इस मैटर पे कितना प्रेशर है, टेम्परेचर है, कितना इसका क्या हो रहा है, कितना ये बाहर कर रहा है। जैसे मान लो पानी को अगर आप बॉयल कर रहे हो तो कितना वेपर बन के उड़ रहा है, कितना रह जा रहा है, वापस आ रहा है, ये आपका एक मैक्रो लेवल की बात हो सकती है। मगर अगर आपको मैं बात करूं कि इसी मैटर में प्रेशर या टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद इसके मॉलिक्यूल्स, इसके एटम्स या इसके एनर्जी लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब पार्टिकल्स नीचे वाले लेवल पर हैं कि ऊपर वाले लेवल में जा रहे हैं, कि वो एक्साइट हो रहे हैं या फिर वो छठ से नीचे आ रहे हैं, और अगर ये मैटर ऊपर नीचे हो रहा है, इनके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, रैंडमली अगर वो मूव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और अगर वो यहाँ वहाँ भाग रहे हैं तो कैसे भाग रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको एक मैं दे दूँ यहाँ पे, ये मान लो आपके पास एक मैटर है, ठीक है, ये कोई भी मैटर होगा, इस मैटर के अंदर आपको पता है ना मैटर एटम से मिलके बनता है, ठीक, इसमें ढेर सारे एटम्स होंगे, ठीक, इसमें ढेर सारे एटम्स होंगे। अब अगर मैं इस पे टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई करूं तो यही एटम्स, यही जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक्साइट होंगे ना, एक्साइट होकर के ये अपर स्टेट में जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा एक वायर, अगर मैं लूं एक वायर पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके बाउंडेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, बाउंड होते हैं। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। जब ये एक्साइट होते हैं तो ये अपने आउटर वैलेंस बैंड को तोड़ करके एक्साइट होकर के ऊपर जाते हैं। जब यही इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं तो यही फिर यहाँ से फ्री हो जाते हैं, फिर यही यहाँ पे रन करते हैं, ठीक। जब ये यहाँ पे रन करते हैं तो तभी तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वायर में। सेम चीज आप यहाँ पे समझो, जब आपका मैटर है वहां पे आपके ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे वो अपने अपर स्टेट में जाएगा, तो वो अपने अपर स्टेट में जाकर के वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, कैसे कर रहा है। देखो आपके एटम से ऑर्बिट जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा ये है न्यूक्लियस, ठीक, अब इस न्यूक्लियस के होते हैं बाहर बाहर ऑर्बिट्स, ठीक, अब इन ऑर्बिट्स में होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये आपको बना दिया मैंने इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइट होकर के ऊपर जाते हैं, क्या वो यहां से जाते हैं या वो यहां से जाते हैं? यहां यहां से तो वो जाते नहीं है, वो जाते हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट इज दिस सबसे बाहर वाला ऑर्बिट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइट होकर के ऊपर जाते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर इस, मान लो मैंने इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करी यहां से, ठीक है, तो इसके ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो एक्साइट होकर के इस वाले फॉर्म में आएंगे, इस वाले ऑर्बिट में आएंगे, ठीक है, ये जब इस वाले ऑर्बिट में आएंगे और यहाँ वाले जो है ना वो इसको तोड़ करके एक्साइट होंगे ना, तो वो इसको तोड़ करके अपर भागेंगे। जैसे देखो ये इसमें आया तो भी तो ये बाउंड है ना, ऑर्बिट में तो है, मगर ये तो बाहर गया ना, इसका मतलब ये तो फ्री हो गया। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही तो आपस में मूव करेंगे, है ना। अब यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गए तो इनको जाने में एनर्जी लगी, अब अगर ये यहीं से वापस यहाँ पे वापस आ जाए तो ये यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज करके आएंगे ना, है ना। जैसे जब इनको एनर्जी चाहिए थी यहाँ से यहाँ भागने के लिए, तो जब ये ऊपर से नीचे आएंगे तभी तो ये कुछ एनर्जी करेंगे ना रिलीज। जो ये यहाँ पे एनर्जी रिलीज करते हैं वही आपको समझ में आता है उस मैटर का टेम्परेचर या प्रेशर जो उस पर इफेक्ट कर रहा है। सेम चीज यहीं पे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं,
ये आपका जो मैटर है उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट में भागने की कोशिश करेंगे, ठीक। जब ये हायर स्टेट में भागने की कोशिश करेंगे तो इनके बहुत सारे मेजर चेंजेस होंगे, जैसे ये इस लेवल में जा सकता है या ये इस लेवल में जा सकता है, या ये कहाँ भागेगा, कैसे भागेगा, कितने देर में भागेगा, कब नीचे आएगा, क्या होगा, कैसे डिफाइन होगा, ये सब चीजें आप पढ़ते हो माइक्रो लेवल में। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये सारी चीजें आपकी डिफाइन होती हैं नॉर्मल माइक्रो लेवल पे, ठीक। और अगर आप अपर चीजों की बात करते हो तो वो आप पढ़ते हो मैक्रो लेवल पे, ठीक है। अच्छा अब और सुनो, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं पहले, ठीक है। देखो आप सुनो, होता क्या है आपके साथ, देखो जैसे आप जब स्टडी करने गए, ठीक है, थर्मल में हम पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ मैक्रो लेवल की बातें। जो हमारे पहले के साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने मैटर को देखा, सराउंडिंग्स को देखा, चीजों को ऑब्जर्व करा। जैसे पहले हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी तो नहीं थे, है ना, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बहुत सारे ऐसे साधन भी तो नहीं थे कि एक्सपेरिमेंट हो कैसे, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, एनालाइज करा, और उन्होंने फिर एकदम से पोस्टुलेट्स दिए कि हाँ ये इसको ऐसे करोगे तो ये चीज़ ऐसे होती होगी, फिर उसको वैसे करोगे तो हाँ वो चीज़ उस लेवल में जाता होगा। बट उनके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था इन चीज़ों का, उनके पास कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था इस चीज का। इसका मतलब, और इस चीज की हम स्टडी करते हैं थर्मल में, मतलब अगर मैं आपको नॉर्मल लेवल में बोलने की कोशिश करूं, आपका एक है देखो थर्मल, ठीक, और एक है आपका स्टैटिस्टिकल, ठीक है। तो हुआ क्या, आपका इसमें जो आप पढ़ते हो ना, वो आप देखो इन दोनों में ही एक चीज कॉमन है कि दोनों के में ही आप सिस्टम के बारे में स्टडी करते हो, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में आप सिस्टम के बारे में स्टडी करते हो, ठीक। बट डिफरेंस इन दोनों में ये आता है कि थर्मल में आप इसी सिस्टम को मैक्रो लेवल पे पढ़ते हो, ठीक, और स्टैटिस्टिकल को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में आप सेम सिस्टम को माइक्रो लेवल में पढ़ते हो। बस यही दो मेजर डिफरेंसेस है, आप दोनों पढ़ते सिस्टम के ही बारे में हो, जब थर्मल लेके जाओ जब स्टैटिस्टिकल लेके जाओ, पढ़ते आप सिस्टम के ही बारे में हो। बट होता यह है कि थर्मल में आप मैक्रो लेवल में पढ़ते हो चीजों को, सिस्टम के मैक्रो लेवल में पढ़ते हो, मतलब जैसे एक सिस्टम के टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, उसको आप पढ़ोगे मैक्रो लेवल में थर्मल में, ठीक है। सेम चीज सिस्टम के अंदर घुस करके बिल्कुल उसके पार्टिकल्स क्या है, एनर्जी क्या है, एवरेज एनर्जी क्या है, पाथ एनर्जी क्या है, एंट्रोपी क्या है, ठीक है, पार्टीशन फंक्शन वगैरह क्या है, अब ये सब हम आपको आगे जैसे जैसे प्रोसीड करोगे ना, हम आपको सब बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आप पढ़ोगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में। ये सब माइक्रो लेवल की चीजें हैं ना, बहुत अंदर घुस के पढ़ने वाली चीजें हैं ना, तो इसको आप पढ़ते हो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में। सेम सिस्टम की स्टडी आप थर्मल में इस वे में करते हो और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में इस वे में करते हो। हुआ क्या था, हमारे पहले के समय में ना थर्मल सबसे पहले आया, सिस्टम के बारे में स्टडी करने के लिए थर्मल सबसे पहले आया, फर्स्ट था ये, ठीक, सबसे पहले थर्मल आया। इसमें साइंटिस्ट्स ने मैक्रो लेवल पे बातें करी, मैक्रो लेवल पे बातें करी इन द सेंस उन्होंने इसके बारे में चीजों को बोला कि हाँ यहाँ पे भाई प्रेशर और टेम्परेचर, इन्हीं चीजों के बारे में बात करी। उनको बहुत ज्यादा सिस्टम के अंदर तक घुस के नहीं पता था, ठीक। तो उसके बाद धीरे 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 देखो ईयर्स चेंज होते गए, दूसरे दूसरे साइंटिस्ट आते गए, वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते गए और चीजों को प्रूफ करते गए, फिर हम धीरे धीरे सिस्टम के अंदर तक घुसते चले गए, ठीक। हम सिस्टम के अंदर तक घुसते चले गए जब, तब फिर हम आए बिल्कुल माइक्रो लेवल पे, बात करना शुरू किया हमने। उस समय आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक आया, मतलब अगर मैं एक नॉर्मल वे में बोलूं
तो आप जो है स्टैटिस्टिकल से आप थर्मल की स्टडी कर सकते हो, मतलब आप माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल पे जा सकते हो। देखो अब इसका भी मतलब क्या है कि अगर आप किसी सिस्टम के अंदर तक जान गए, मुझे बताओ अगर आपको मैं किसी भी मैटर के एटम और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूं, तो क्या आपको नहीं पता हो पता चल पाएगा कि उसका प्रेशर कैसे इंक्रीज करेगा, है कितनी एनर्जी देने पे वो कैसे उसका टेम्परेचर रेज करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, आपको क्या नहीं पता चल पाएगा, चल जाएगा ना। सेम चीज है, आप क्या स्टैट से थर्मल की चीजों को नहीं निकाल सकते? हाँ ये है कि थर्मल से आप स्टैट नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपको खुद ही बाहर की चीजें पता है, तो आप अंदर की चीजें कहाँ से निकाल पाओगे। मगर अगर आपको हम अंदर की चीजों के बारे में बता दें तो क्या बाहर की चीजों को तोड़ना इजी नहीं होगा? देखो अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं, आपको मैं सर्कल में खड़ा कर दूं, ठीक है, ये मान लो सर्कल है, यहां पे आपको मैं खड़ा कर दूं, भाई खड़े हो जाओ, अगर तुमको मैं बोलूं, एक तुमको मैं बोलूं यहाँ पे खड़ा करूं एक इंसान को, ठीक, अब अगर मैं तुम बोलूं कि भाई जरा देख के बता कि सिस्टम में क्या चल रहा है, तो वो कहाँ तक देख पाएगा? सिर्फ इस लेवल को देख पाएगा ना कि इसमें क्या चल रहा होगा, और तो देख नहीं पाएगा। मगर अगर मैं इस अंदर वाले इंसान से पूछूं तो तू ये तो भाई इसको तो सब दिख रहा है ना, ये भी दिख रहा है, यहाँ वाला भी दिख रहा होगा, यहाँ वाला भी दिख रहा होगा। इसका मतलब अगर हम अंदर की चीजों के बारे में पता करें तो बाहर चीजों के बारे में तो अपने आप चल जाएगा पता। सेम चीज है आपका स्टैट्स के बारे में, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप स्टैट से अगर आप चीजों को पता कर रहे हो तो आपको एनर्जी वगैरह अगर पार्टिकल ये पता चल जाए तो आप थर्मल तो आप आराम से हो जाए कैलकुलेट, है ना। मतलब माइक्रो लेवल की चीजों से आप मैक्रो लेवल को कर सकते हो कैलकुलेट, कर सकते हो ना। देखो आप सुनो, सेम चीज मेरा बोलने का मतलब था, थर्मल और स्टैट ना कोई अलग अलग नहीं है कि आप उसको अलग लेके चल रहे हो, इसको अलग लेके चल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ाना शुरू करा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक, हम चाहते तो पहले थर्मल पढ़ा सकते थे, है ना, बाहर से अंदर आते, मगर जो आपको मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया आपको समझ में आया, है ना। सेम चीज है यार, कैसे पॉसिबल है बाहर की चीजों से आप अंदर तक कैसे घुसोगे? मगर अगर आप अंदर जान गए हो तो बाहर तो पूरा समझ ही जाओगे ना। सेम चीज है, मैंने आपको पहले पढ़ाना है स्टैट, अगर आपको स्टैट सही तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है तो आपको थर्मल अपने आप समझ में आ जाएगा। स्टैट के क्वेश्चन कर ले जा रहे हो ना, थर्मल के क्वेश्चन आप अपने आप कर ले जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके क्वेश्चन को करने में। बट वही है, थोड़ा सा फोकस्ड होके पढ़ो, साथ दो मेरा, काफी चीजें अभी होनी है तो चीजों को लेके चलो, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करिए आप लोग, चीजें अपने आप निकलेंगी। और इसके बारे में भी ना हम आपको इतने नॉर्मल तरीके से पढ़ा करके लेके जाएंगे ना कि आपको इसका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होता जाएगा। ऐसा नहीं कि हम आपको ये वाला पेपर पढ़ाएंगे नहीं, छोड़ देंगे, पढ़ाएंगे तो हम इसको भी आपको, बट इसके पढ़ाने के बाद हम इस पे आएंगे, आपको अपने आप सब समझ में आता जाएगा कि थर्मल में क्या हो रहा है। हम आपसे पूछेंगे ना, पता है आप खुद ब खुद क्वेश्चन करोगे, खुद ब खुद आप आंसर करते जाओगे चीजों का कि क्या होगा थर्मल में, आंसर क्या होगा, कैसे क्या चीज होगा वहां पर डिफाइन हो रही होगी, चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आएंगी। इसीलिए पहले हमने स्टार्ट करना है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक, ठीक। अब इतने चीजों पे, मेरे इतने डिस्कशन पे आपको इतना तो समझ में आया होगा कि ये क्या है और ये क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम अगर इसको पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, फिजिक्स में जब तक आपके अंदर ये क्यों वाला जनरेट नहीं होता ना कि हम क्यों कर रहे हैं, अगर ये है तो क्यों है, ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जब तक क्यों वाली चीजें नहीं आएगी ना, जब तक क्यूरियोसिटी आपके अंदर पैदा नहीं होगी ना यार, मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में। सीरियसली यार, जब तक क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होगी ना, जब तक चीजें क्लियर नहीं होगी ना, मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में। दैट्स व्हाई कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, धाकड़ तरीके से मजा आएगा किस तरीके से पढ़ना है क्या पढ़ना है, ठीक। अच्छा अब रही स्टैट्स के बाद, कुछ टॉपिक हम लिस्टिंग कर दें,
कि हम किस तरीके से चलेंगे, क्या चलेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, किस तरीके से चीजों को चले, किस तरीके से चीजें चलेंगी, ठीक। अब देखो कुछ टॉपिक्स को मेरे को लिस्टिंग करनी है आपको, ये जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे होगे ना मेरे लिए, मेरे तो आप ना लिखते जाना, मेरे सिर्फ लिखने का वेट मत करना। हम बोल भी रहे हैं ना, उसको भी अगर आपको जो भी इम्पोर्टेंट समझ में आएगा उसको भी आप नोट कर लेना। यार देखो मैटर ये नहीं करता कि नोट्स हो तो बहुत इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हो, बहुत सजा धजा के लिखा हो तभी आप पढ़ो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। हम सीरियसली अभी भी कहेंगे अपनी लैंग्वेज में पढ़ो, अगर तुमको हिंदी में समझ में आ रहा है, इनफैक्ट मैं इतना ही बोल, तुम्हें अगर गाली दे के लिखना है तुम उसको भी लिखो, जो कर पाओ लिखो, मगर अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखो ताकि चीज़ों में तुम्हें इंटरेस्ट भी आए, पढ़ने में समझ में भी आए, और जब तुम उसको रिवाइज करो ना तो तुमको झटके से सब याद आ जाए कि अच्छा यहाँ पे क्या हुआ होगा। कोई बहुत बड़ा तीर मारने की जरूरत नहीं है, चीजें नॉर्मल तरीके से लेकर के चलो, ठीक है, बहुत बड़ा हवा बना के लेके मत चलो। ट्रस्ट मी तुम्हारे अच्छे रैंक से तुम क्वालिफाई होगे, मैंने करा है आप भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है। अपना लैंग्वेज लेके चलो, हिंदी में लिखना है जैसे लिखना है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट यार, बस हमें समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है वहां पे, कहानी चल क्या रही है, ठीक। अच्छा अब देखो कि स्टार्ट्स में चलना किस तरीके से है हमको। देखो ये जो आपका स्टार्ट्स का पेपर है, ये तो मैंने बोला ना सबसे पहले हम आपको यही पढ़ाएंगे, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे थर्मल, ठीक। अच्छा आप स्टार्ट्स में आपका जो टॉपिक होगा, टॉपिक की लिस्टिंग कर देते ना थोड़ा सा आसान होता है पढ़ने में कि कैसे क्या चल रहा है ना। स्टार्ट में जो आपको पहला होगा वो होगा व्हाट इज स्टैट, मतलब इंट्रो, जो कि अभी मैंने आपको दे दिया कंप्लीटली कि स्टैट क्या होता है, थर्मल से क्या इसका डिफरेंस है वो पूरा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है रैंडम वॉक। अच्छा रैंडम वॉक को आप प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ते हो, स्टैट में भी पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, किस लिए पढ़ते हो, इसका इससे क्या कनेक्शन है, और अगर इसको हम न पढ़े तो क्या होगा, और ये स्टैट के स्टार्टिंग में ही क्यों आ जाता है, ये बाद में क्यों नहीं आता, ये स्टार्टिंग में ही पहले हम रैंडम वॉक से क्यों शुरू करते हैं, ये सब भी आपको क्वेश्चंस का आंसर देंगे जब हम इस टॉपिक पे आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। अच्छा रैंडम वॉक के बाद आपका आता है नॉर्मल आपका इसके प्रॉब्लम्स होंगी आपके, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स, ठीक। अच्छा इसके बाद आपको आता है एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल्स में भी पहले आप मुझसे पढ़ोगे माइक्रो कैनोनिकल, फिर आप पढ़ोगे मुझसे कैनोनिकल, फिर आप मुझसे पढ़ोगे ग्रैंड कैनोनिकल, ठीक। इस तरीके से आप चीजों को पढ़ोगे, इस तरीके से आप तीनों को पढ़ोगे वन बाय वन। अच्छा माइक्रो कैनोनिकल पढ़ोगे, इसके अपने प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक, इसके अपने होंगे, स्टैंडर्ड बुक्स को लेके चलेंगे हम, आपको भी स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है, ग्रैंड को भी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा अब देखो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समय भी सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो हम आपको ये भी बताएंगे है तीनों, फिर भी ये इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है, ये इम्पोर्टेंट कम क्यों है और है भी क्यों, और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर ये ना रहे तो क्या हो जाए, और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक। ये सारे क्वेश्चंस का आपको हम आंसर करेंगे जब इन तीनों पे आएंगे तो, ठीक है। फिलहाल पढ़ना सब है, मैंने आपको बोला था ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा जरूर रहे हैं, क्रैश कोर्स है वैसे, क्रैश कोर्स में सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा देते हैं, बट स्टिल नॉट, हम आपको कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करेंगे सारे के सारे। देखो यार मेरी बात समझो, आजकल जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है ना,
कुछ भी पूछ देते हैं। अभी का जिसने नेट का पेपर दिया होगा उसको समझ में आया होगा, पूछ तो वो कुछ भी देते हैं, है ना। तो इस चीज के लिए पढ़ाएंगे हम आपको सारा, उसमें से क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या लेस इम्पोर्टेंट है ये भी हम आपको बताते चलेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे आपके पेपर में मान लो 100 में से सिर्फ 50% आने हैं, ठीक है, 50% इम्पोर्टेंट है और 50% इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ऐसा होता है ना, उस 50% जो इम्पोर्टेंट है ना उसको समझने के लिए आपको रिमेनिंग 50% आने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट होता है वहां पर। इस चीज को मेंटेन करना है मेरे को, इसलिए हम आपको सारा बताते चलेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल्स के बाद आपका आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जैसे इसका मतलब इसमें जैसे आप पढ़ते हो ना MB, BE और FD, मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमान, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। ये आपका पढ़ते हो बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। और ये आपका है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक। अच्छा, आप जो मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जब क्वेश्चंस आता है ना, क्वेश्चंस में मेंशन नहीं होता कि कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अप्लाई है, आपको खुद समझना पड़ता है। और मैंने कई लोगों को देखा कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लगाना ही क्या है पहले, तो ठीक है। तो दैट्स व्हाई इस चीज़ को जब हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ना, तो हम आपको कंप्लीट बताएंगे कैसे होना है, क्या होना है, कब कौन सा फंक्शन अप्लाई करते हैं, कब कौन सा फंक्शन अप्लाई नहीं करते हैं, वो हम आपको सब बताएंगे इस चीज़ में, ठीक। अच्छा, आपका पार्टीशन फंक्शन, एवरेज एनर्जी, मीन एनर्जी, पाथ एनर्जी, एंट्रोपी, एंट्रोपी आपका इसमें आ जाएगा, बाकी जो आपके हैं पार्टीशन फंक्शन एंड ऑल एवरेज एनर्जी वगैरह वो आपके आ जाते हैं कैनोनिकल में, ठीक। अब नेक्स्ट आपका आएगा क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो आपका होता है ना ब्लैक बॉडी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चंस पूछ देते हैं ब्लैक बॉडी से, ठीक है। ये हो गया, और आपका आया फेज ट्रांजिशन, ये आप पढ़ोगे उसमें भी, सॉलिड स्टेट का जब हम पेपर पढ़ाएंगे तो ये आप उसमें भी पढ़ोगे, बट इसको आपको यहाँ भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका लिंक वहाँ से भी कैसे है, यहाँ से भी कैसे है, हम आपको बताते हैं, ठीक है। हम आपको बताएंगे चीज़ों को कैसे क्या करना है, कैसे क्या डिफाइन करना है। जब हम इस चीज़ को क्लियर करते जाएंगे ना, तो फिर हम आपको यहाँ वाली चीज़ें भी क्लियर करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। इतने मेरे को आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। इसके बाद आपका फिर आएगा मेरे तरफ से स्टैंडर्ड बुक, होगा क्या, देखो जैसे जैसे हम आपको टॉपिक पढ़ाते जाएंगे ना, ठीक, वैसे वैसे हम आपको बुक में बताते जाएंगे कि अब यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो अब इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो, अब उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक। क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, जो जो आपके डाउट्स आ रहे हैं ना वो डाउट्स आप रखिए अपने पास, डाउट्स रखते जाइए, और जब हम इसे स्टैंडर्ड बुक्स पे आएंगे तो ना तुम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे खुद, यहाँ पे बोर्ड पे हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक करके बुक के बाद फिर आपका आता है प्रीवियस, ये भी हम खुद पूरा सॉल्व करवाएंगे, पूरा को पूरा प्रीवियस ईयर हम खुद सॉल्व करवाएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई मजाक कर रहे हैं, इतने दिन का इन्होंने रखा है और इतना पूरा इन्होंने लाइन गिना के रख दिया है, तो ये सब कैसे होगा, ठीक है, स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, नहीं होगी, बिलीव करो हम जिस तरीके से चलेंगे ना, एक चीज़ आपको क्लियर भी करेंगे कि ये चीज़ें होंगी भी सही तरीके से। क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड बुक को लेके चलोगे ना और आप प्रीवियस ईयर को लेके चलोगे,
इतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, क्योंकि इन्हीं दोनों में इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं ना, आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो चुकी होगी ना कि आपको कहीं और भागने की नीड ही नहीं पड़ेगी। दैट्स व्हाई इन दो चीजों को हम फॉलो करेंगे, ठीक, बेटर तरीके से। अच्छा अब ये तो हो ही चुका है, व्हाट इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक तो मैंने बताई है आपको अभी भी, राइट, मैं चीजों को क्लियर करें क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रैंडम वॉक, ठीक है। रैंडम वॉक में क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्या चीज है, इस चीज को हम क्लियर करेंगे रैंडम वॉक में, ठीक है, इस टॉपिक पे। टिल देन इसको नोट कर लेना किस किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फिर हम आपको अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अभी अगर इसको स्टार्ट करेंगे तो टाइम लग जाएगा काफी ज्यादा, ठीक है, फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप थोड़ा बोर होने लग जाते हो ना, तो थोड़ा दैट्स व्हाई इसको हम शूट करते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। टिल देन बाय बाय, सी यू।